वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग अभी जो एक पावर नैप लेके उठ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वर्कला क्लिफ्ट, तो वहीं पे हम करने वाले हैं अपना टी, स्नैक्स एंड डिनर और उसके बाद हम जो है घर आएंगे। तो ये है आज का मेरा आउटफिट, नॉर्मल सा मैंने बीच वाला आउटफिट पहन लिया है। तो अभी जो है हम चलते हैं आपको लेके और दिखाते हैं हमने क्या क्या किया मस्ती वर्कला में फर्स्ट डे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज है हमारा फर्स्ट डे वर्कला में, तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी ट्रेन जो थी 1.5 आवर लेट थी, इसलिए भी हम जो है डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम सो गए थे। और हम जब उठे तो इवनिंग हो चुका था और हम इस बार होम स्टे में रह रहे हैं। तो अभी तक आपने वो वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके चेकआउट करो। तो होम स्टे में हम रुके हुए थे तो हमारे जो होस्ट है उन्होंने हमें ये कैफ़े के बारे में रिकमेंड किया है, तो चलिए आपको भी लेके जाते हैं। तो इनका सिर्फ कैफ़े नहीं है, अगर आप होम स्टे में भी रहना चाहते हो तो इनके पास होम स्टे का भी ऑप्शन है। बट यहाँ का होम स्टे आपको थोड़ा हट टाइप का रहेगा, तो अगर आप हट वाली फीलिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी आ सकते हो, वरना आपको वर्कला में बहुत सारे लग्जरी होटल हो गए हैं या होम स्टे हो गए या नॉर्मल हर रेंज के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पे, तो ये लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ का फूड के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा रिकमेंड किया है इसलिए भी हम यहाँ आ गए हैं। तो ये लीजिए हम पहुंच गए हैं इंडा कैफ़े, तो इस साइड आप देख रहे हैं इनका कैफ़े भी जो है वो हर शेप का ही है। अभी मैं आपको इनके राइट हैंड साइड में कैफ़े दिख जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इनका होम स्टे दिख जाएगा। तो होम स्टे में हम जब एंटर किए तो यहाँ पे आपको इस तरह के रूम्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मुझे इंडियंस बहुत कम लगे क्योंकि हम लोग थोड़ा लग्जरी देखते हैं। बट यहाँ पे आपको जो है इस एरिया में इनका होम स्टे में पूरा भर भर के फॉरनर्स ही देखने को मिले। तो मैं जो हूँ वर्कला सेकेंड टाइम आई हूँ, लास्ट ईयर भी मैं आई थी और मुझे वर्कला बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप इंडिया में थोड़ा हटकर फीलिंग लेना चाहते हो और अभी तक आप वर्कला नहीं आए हो तो मैं बोलूँगी मस्ट विजिट प्लेस है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ के कैफ़े वगैरह एक्सपेंसिव है बट प्लेस जो है अलग वाइब है, आपको नहीं लगेगा कि आप आए हो इंडिया में। चलिए अभी हम आपका यहाँ का फूड दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया। आपको यहाँ पर जो है बहुत वैरायटी के फूड मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंडियंस फूड नहीं मिलेंगे, आपको जो है इंग्लिश फूड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी तरह जो लोग हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम तो पूरे छुट्टी के मूड से आए हैं। ये रहा यहाँ का मेन्यू और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ की प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है। तो हमने अपना पहला डिश ऑर्डर किया था सी फूड प्लेटर। इस प्लेटर पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सी फिश देखने को मिलेंगे और फर्स्ट टाइम मैंने जो है बेबी ऑक्टोपस ट्राई किया और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने शेक ऑर्डर किया और फिर से मैंने जो है पास्ता ऑर्डर किया। और ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ का फूड सच में बहुत ही ज़्यादा यमी है, डिलीशियस है, तो आप यहाँ आ सकते हो। तो चलिए गाइज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।